नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन काल से ही हमारे बड़े बुजुर्ग शकुन और अपशकुन के बारे में बताते हैं और इन सब के बारे में हमारे ग्रंथों में काफी कुछ लिखा भी गया है। हालांकि इन सभी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन आज भी लोग इन बातों को मानते हैं। शकुन और अपशकुन में कौवे का जिक्र भी आता है और उस पर शुभ और अशुभ की चर्चा भी होती है। शकुन शास्त्र में इससे जुड़ी बातों का जिक्र भी किया गया है। तो आइए जानते हैं कौवा किस तरह आपको धन लाभ का संकेत देते हैं। कौवा के मिलने वाले संकेतों को बताऊंगा इस वीडियो में और इन संकेतों को आपको पहचानना जरूरी है। अगर आप पहचानना सीख जाएंगे तो आपको धन लाभ निश्चित रूप से होगा। आप दुर्घटना से बच सकते हैं, आने वाले भविष्य में जो निकट भविष्य में परेशानी है आप उनसे बच सकते हैं। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मित्रों इस प्रकार के अच्छे अच्छे हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। मित्रों, सूर्य उदय के समय घर के सामने कौवा बोले तो यह अच्छा शकुन माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार यह मान प्रतिष्ठा और धन लाभ मिलने का सूचक होता है। मित्रों, कौवा चोंच से भूमि को खोदता हुआ दिखाई दे तो यह अच्छा शकुन माना जाता है। माना जाता है कि इससे खूब सारा धन मिलता है। इसके साथ ही मित्रों, अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको सूखे पेड़ पर गिद्ध बैठा हुआ दिखाई पड़ जाए तो यह अपशकुन माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि आपको तुरंत अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए। वही घर की छत पर चील आकर के बैठने लगे तो यह घर पर संकट का सूचक माना जाता है। इसके साथ ही मित्रों, कौवे का पीछे से बोलना शुभ संकेत माना जाता है या आपकी चल रही समस्याओं से मुक्ति पाने का सूचक है। वही अगर किसी महिला के सिर पर कौवा बैठता है तो उसके पति को गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। कौवा अगर चोंच में तिनका रोटी का टुकड़ा लिए अगर आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाइए आपको नजदीक भविष्य में धन लाभ प्राप्ति का संकेत है या आपको कीमती वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। वही अगर कौवा का झुंड घर की छत पर आकर के शोर करने लगे तो घर के मालिक पर संकट आने वाला है, ऐसी मान्यता कहती है। आप रास्ते में हो और आपको पानी पीते हुए कौवा दिख जाए तो आपको धन लाभ हो सकता है। साथ ही जिस काम के लिए जा रहे हैं तो उसमें सफलता भी मिलेगी। वही अगर कौवा पंख फड़फड़ाता हुआ उग्र स्वर में बोले तो वह इसे अशुभ संकेत माना जाता है। निकट भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। तो ये थे शकुन शास्त्र के अनुसार कौवा से मिलने वाले संकेत। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।